ये हजार वर्ष पहले की पीओपी है। प्रेम का अपने प्रेमी को पत्र लिख रहे हैं। 9 यंत्र थे केवल श्रीमान जी, आज एक यंत्र प्रेजेंट टाइम में बचा हुआ है जो आप देख रहे हैं लटका हुआ, ये शनि ग्रह यंत्र। पूरा स्टैंड बन के पत्थर है, इसको बोलते हैं मकर तोरण। मकर मीन्स मगरमच्छ, तोरण मीन्स द्वार। जब भी हम आप लोग घर में शादी विवाह मैरिज कोई शुभ कार्य करते हैं तो हमारी माताएं बहनें द्वार पर तोरण द्वार लगाती है जो आम के जामुन के पत्ते शुभ होता है, जिसको हम आप लोग बंदर वारी बोलते हैं। इसमें बारी की कला देखना है, मुख मगर का है, सूर देख रहे हैं एलिफेंट हाथी की है, एयर कान माउथ चूहे के द्वार पर जैसे आंख डाल रहा है। ये शिव पार्वती विष्णु लक्ष्मी, हम आप लोग द्वार पे शुभ लाभ देते कि नहीं, भारतीय संस्कृति बहुत शुभ मानते। अब इसका जवानी नाम क्यों पड़ा दादा? उसका बावन धातु मैंने बता दिया आपको कैसे पड़ा। बावन जवारी नाम इसलिए पड़ा है कि पहले चंद्र राजाओं के समय में यहाँ पे जौ हो जाते थे। जौ मीन्स जवा, हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र है, तब इसको जवारी के नाम से पुकारते हैं। और जौ की आकृति में ये भी बना हुआ है, देखो आप मंदिर की आकृति जौ की भांति दिखाई दे रही है। आप लोकेशन देखिए आप, हाँ। इसके बाद देख रहे हैं पूरा आर्टेक्चर वही है, सब ये मंदिर है, हार बोर्ड काशी भगवान लक्ष्मी जी है, ये पूरा एरोटिक दिखाया गया, काम साथ क्रिया दिखाई गई है। सामने देख रहे हैं यहाँ पे भी देख रहे हैं फीमेल वेलकम एक्सटिबिशन कर रही है, ये 71 पोजीशन है। विष्णु नरसिंह जोड़ी साहब नरसिंह भगवान की मूर्ति है। अब विष्णु भगवान ने सर नरसिंह अवतार क्यों रखा था? जब सर हिरण्य का सबका वध किया था तो उसने वरदान मांगा था कि दिन में मरू ना रात में मरू, अंदर मरू ना बाहर मरू, इंसान से मरू ना जानवर से मरू, अस से मरू ना सस से मरू, को संध्या के समय वध किया था ये नरसिंह अवतार था। तो दरवाजे के सामने बोलते सर देरी वहां पे वध किया था नरसिंह अवतार, चौथा अवतार था यह था ना, ये नरसिंह चौथा। पांचवा आप जो गए हैं वामन था, ये छठवां आपका परशुराम है, जो अंदर चलेंगे हम आप लोग। परशुराम भगवान की मूर्ति है। इसके बाद देखिए दादा यहाँ पे दादा देखिए, ये प्रेम का अपने प्रेमी को पत्र लिख रही है। हजार वर्ष पहले कोई मोबाइल कोई नेटवर्क टेलीफोन नहीं था, पहले पत्र जो संदेश जाते थे कबूतर तोते के माध्यम से, जिसको हमारे पूर्वज बोलते थे पाती यानी चिट्ठी। लेकिन सर अगर रामायण में देखा जाए तो सबसे पहले माँ पार्वती ने भगवान शिव को पत्र लिखा था, भोजपत्र। दूसरा लिखा था रुक्मणी ने, श्रीमान जी। इसके बाद देखेंगे ये पूरा गृहस्थ आश्रम है, एक माँ शिशु बालक को स्तनपान करा रही है, मेल फीमेल का प्रेम प्रसंग, अर्थिंग तट चालक, ऊपर के लिए हम धन पोजिशन है। इसके बाद सब देखेंगे आप चले जाएंगे यहाँ पे भी कान शास्त्र को छिड़ा दिखाए गए हैं, तो हम आप लोग जल किराए बोलते हैं। ऊपर शिव पार्वती नारायण है। यहाँ पे देखेंगे सर एक फीमेल के पैर में कांटा लग जाता है तो उसके पैर दर्द हो रहा है, तो हजार वर्ष पहले सर मेडिसिन दवा नहीं थी, तो ऐसा कौन सा सिस्टम था जो, तो आप देखेंगे एक अपने आंचल से मिल्क निकाल के वो पैर जहाँ दर्द हो रहा है वहां डाल रही सर, क्योंकि कैसा भी कान दर्द करता हो या ईयर में लोग डाल देते हैं। आपको बताइए माँ का बहुत सर्वोत्तम बताया गया, बहुत लाभकारी। बाकी देख लेंगे सर ये पूरा अटैचर दिखाया गया है, बहुत शुभ होने नहीं तुरंत आज मेरी से तब आज हो गई है। हजार वर्ष पहले लोग जड़ी बूटी खाकर अपना काम करते हैं सर। यहाँ पे भी देखेंगे सर एक मेल फीमेल का प्रेम प्रसंग दिखाया गया है, शिव मंदिर टू सब कला है जो आलिंगन करते दिखाया गया सर। शिव पार्वती है और ये पूरा देवी देवताओं की शांति मूर्ति आर्किटेक्चर दिखाया गया। तो आप हजार वर्ष पहले की आपको मैं पीओपी दिखा रहा हूँ कैसी, और आज लोग हम आप लोग भी घर में पीओपी करवाते हैं कैसे हो। आप डिजाइन देखिए, आप नक्काशी देखिए, कार्विंग का काम ये दादा देखिए आप, ये हजार वर्ष पहले की पीओपी है और आज हम लोग भी घर में आप लोग पीओपी करवाते हैं। देखिए आप ये सेम लोग आज इसको 1100-1200 वर्ष हो गए हैं, लेकिन दिख रहे हैं आप हम आपकी 1000-1200 क्या 2-3 साल में निकल जाती है दादा, डिफेक्ट में जाती है। देखिए आप कितना कार्विंग का काम है, पूरा उस समय कोई टेक्निक मशीन नहीं थी, पूरा ये हाथ का काम है, कितना कार्विंग का काम है। नक्काशी देखिए आप ऊपर चले आइए अंदर, जी दादा अंदर गर्भगृह में जो मूर्ति आप देख रहे हैं विष्णु भगवान का छठवां अवतार परशुराम भगवान की मूर्ति है। नीचे द्वारपाल है, गंगा यमुना परशुराम का फरसा है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। लेकिन इसमें दादा आपको तांत्रिक की चीजें देखना है, इसमें तांत्रिक चीजें बताई गई हैं। 9 ग्रह 9 यंत्र, 9 ग्रह 4 3 7 राहु के केतु पर है। लेकिन श्रीमान जी
इस मंदिर में आप देखेंगे यंत्र है, 9 यंत्र थे केवल श्रीमान जी, आज एक यंत्र प्रेजेंट टाइम में बचा हुआ है जो आप देख रहे हैं लटका हुआ, ये शनि ग्रह यंत्र है। इसका मतलब क्या है, आपने देखा होगा श्रीमान जी, जब व्यक्ति में जब ग्रह नक्षत्र जब लग जाते हैं तो लोग हर राशि का पत्थर पहनते हैं, कोई मूंगा, कोई नीलम, कोई पन्ना, कोई फोकर पहनता है। भगवान का जिसको शनि ग्रह वर्षों से परेशान भी कर रहा था, तांत्रिक द्वारा 9 रत्नों से जड़ा हुआ यंत्र शनि ग्रह यंत्र, यहाँ परमान ग्रह के लिए शांति मिलती है। बोलिए सर, नवग्रह भगवान की। जो लोग सर हाथ में कुछ लेकर के अपना ग्रह शांति जो करना चाहते हो कर सकते हैं, क्योंकि ग्रह और यंत्र आपको एक साथ किसी मंदिर में नहीं मिलेंगे, जोड़े के साथ या पूर्ण पूर्ण होता है। मूर्ति का शरीर नहीं है ना, शरीर नहीं है सर, सर सर का तो बताया नहीं आपने, सर कहाँ गया, खंडित है क्या, मगर पीले डैमेज।